फ्रांस ने जो इंडिया को ऑफर दिया था उस ऑफर से रूस भड़क गया है फ्रांस पर, और फ्रांस के ऑफर से भड़का रूस भारत को MI टैंक से भी बड़ा टैंक अब देगा। दोस्तों आपको याद ही होगा जब ऑकस डील की वजह से फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में दरार आई थी, तब से फ्रांस भारत के रिश्ते पहले से कई गुना मजबूत होते गए हैं। और हाल ही में जब फ्रांस की रक्षा मंत्री भारत दौरे पर आई थी, तब राफेल से लेकर परमाणु सबमरीन के निर्माण के लिए फ्रांस हमेशा भारत साथ खड़ा रहेगा ऐसा घोषणा तक उन्होंने किया था, अपने खुद के कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने ये बात कही थी। अभी तो राफेल मरीन भी भारत भेजे जा रहे हैं जो गोवा टेस्ट फैसिलिटी में सफल रहे हैं, तो समझ जाइए कि 26 राफेल मरीन INS विक्रांत के लिए पक्की हो चुके हैं एकदम। खैर, इंडियन एयरफोर्स और नेवी की काउंटर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने फ्रांस की ओर से भारत को धमाकेदार ऑफर दी जा रही है, और बची थी सिर्फ इंडियन आर्मी तो उसके लिए भी एक बड़ी पेशकश फ्रांस की ओर से की गई है। हालांकि इस ऑफर को लेकर रूस नाराज होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। दरअसल दोस्तों, फ्रांस की जोन मिलिट्री वेबसाइट के मुताबिक भारतीय सेना द्वारा आयोजित किए जा रहे फ्यूरिस्टिक कॉम्बैक्ट व्हीकल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा फ्रांस की टैंक निर्माता कंपनी नेक्स्टर को संपर्क किया गया था, और इसी प्रस्ताव में भारत की ओर से टैंक्स को भी मॉडिफाई करने की बात कही गई थी। और अब इस खबर पे एक नया खबर इसमें निकल कर आ रहा है, उसकी खबर के मुताबिक फ्रांस की नेक्स्टर कंपनी द्वारा सबसे बेस्ट बैटल टैंक यानी कि लेक्लेयर टैंक की ऑफर भारत को आ गई है। और आपको बता दूं कि फ्रांस की नेक्स्टर द्वारा बनाया गया लेक्लेयर XLR टैंक यूरोपियन देशों में इस्तेमाल होने वाले सबसे बड़ा टैंक माना जाता है, बल्कि अमेरिका MI अब्राहम जो है अमेरिका का, उससे भी इसको ज़्यादा मतलब टफ एंड टाइट माना जाता है। बट ब्रिटिश चैलेंजर और जर्मन लेपर्ड जैसे हैवी टैंक को भी इसमें इसके सामने वो कुछ नहीं है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर कैपेबिलिटी। और ये फुल्ली ऑटोमेटिक टैंक है जिसे 3 चालक दल ऑपरेट करते हैं। फ्रांस ने इसे खासकर दुश्मन इलाके में हैवी गोलाबारी करने के लिए मकसद से बनाया था, जो कि न्यू कॉम्बैक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम और रेडियस जैमर और रिमोटली ऑपरेट मशीन गन से लैस है। अब यही टैंक भारतीय सेना के लिए भी पेश किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने ऐसे 1700 टैंक चाहती है जिन्हें पुराने जो अभी भारतीय सेना के पास है जिन्हें पुराने हो चुके हैं T-72 यानी अजय टैंक की जगह से रिप्लेस किया जाए। और हालांकि रूस का मानना है कि हम अजय टैंक को मॉडिफाई पर कर उन्हें और घातक बना देंगे। ऐसे में सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि किसे और क्या कहा जाए। देखिए, फ्रांस भी ऑफर दे रहा है कि हम आपको नया टैंक दे रहे हैं, और रूस ये कह रहा है कि जो भारत के पास अभी T-72 यानी अजय टैंक है उसको मॉडिफाई कर देंगे और बेहतरीन उसको बना देंगे और उसमें और एडवांस टेक्नोलॉजी उसके में एस्टैब्लिश कर देंगे। और अगर ये डिज़ाइन डिसीजन जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं अगर ये भारत गवर्नमेंट के पास आ चुकी है, तो इंडियन गवर्नमेंट को इसमें सोचने और समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि रशिया भी हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है और फ्रांस भी हमारा बहुत अच्छा पार्टनर बन चुका है, ठीक है। और अगर ये डिसीजन आप पर छोड़ा जाए तो आप किस देश के टैंक को चुनना पसंद करेंगे, रशियन T-72 या फिर फ्रांसीसी लेक्चर? नीचे कमेंट करके आप इस बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।